नेपाल क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका, खत्म हो गया नेपाल क्रिकेट। देश के लिए नाम रोशन करने वाला अब जाएगा सलाखों के पीछे। जी हां दोस्तों, नेपाली क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान एक बार फिर मुसीबत में फंस गए हैं। उनको काठमांडू की एक अदालत ने शुक्रवार को रेप के मामले में दोषी ठहराया है। अब अगली सुनवाई में उनके खिलाफ सजा का ऐलान होगा कि कितने साल की जेल उन्हें हो सकती है। नेपाल की अदालत ने जनवरी में संदीप को रिहा कर दिया था, जिन्हें पिछले साल अगस्त में 17 साल की लड़की द्वारा काठमांडू के एक होटल के कमरे में रेप का आरोप लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि 23 साल के संदीप लामिछाने ने इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले नेपाल के पहले क्रिकेटर हैं। उन्होंने 2018 में दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए डेब्यू किया था। इसके अलावा संदीप ने अपने हुनर के दम पर बहुत ही कम उम्र में लगभग 10 से ज्यादा लीग खेल चुके हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश शिशिर राज ढकाल की एकल पीठ ने शुक्रवार को आदेश पारित किया। अंतिम सुनवाई रविवार को शुरू हुई थी। इसके बाद काठमांडू जिला अदालत ने शुक्रवार को संदीप को रेप मामले में दोषी ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि अगली सुनवाई में इस क्रिकेटर की जेल की सजा तय होगी। संदीप फिलहाल जमानत पर बाहर है। 12 जनवरी को पाटन उच्च न्यायालय ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद वह कई जगह लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखे थे। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग नहीं थी, जैसा कि पहले बताया गया था। शुक्रवार को जब संदीप को सुनाई गई तो वो बीरगंज में नेपाल प्रो क्लब चैंपियनशिप मैच में खेल रहे थे, जहां उन्होंने पारसा क्लब 11 को नेपाल आर्मी क्लब पर जीत दिलाई। पिछले साल सितंबर की शुरुआत में तब नेपाल के कप्तान लामिछाने को इस मामले में काठमांडू में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद यह खबर आई कि लामिछाने के खिलाफ काठमांडू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। उस समय लामिछाने CPL 2022 में हिस्सा लेने के लिए जमैका तल्लावा के साथ वेस्ट इंडीज में थे। बाद में क्लब ने घोषणा की कि लामिछाने तत्काल प्रभाव से टूर्नामेंट छोड़ देंगे। अक्टूबर की शुरुआत में काठमांडू में हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्हें हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार होने से कुछ समय पहले लामिछाने ने फेसबुक पर लिखा था कि वह जांच के सभी चरणों में पूरा सहयोग करेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। संदीप ने इस मामले को तब साजिश और गलत आरोप करार दिया था। तो आशा करते हैं कि अगले सुनवाई में नेपाल के क्रिकेट फैंस के लिए और नेपाल क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा न्यूज सुनने को मिले। तो आप कोर्ट की इस राय से कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।